दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडी की एंट्री के बारे में, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो दोस्तों जब हम बैंक में हमारे एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें उस एफडी के ऊपर मैच्योरिटी के टाइम में हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो दोस्तों अगर जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक है जो टीडीएस भी डिडक्ट करता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी अगर हमारा जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है उसके ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है तो इंटरेस्ट की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, अगर जो एफडी की जो अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ अगर वो हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक एक्सेल में एक चार्ट हमने बनाया हुआ है जो कि एक बैंक का स्टेटमेंट है। हमारे पास SBI का करंट अकाउंट है और हमने 1 अप्रैल 2021 को बैंक में 5 लाख का जो कैश डिपॉजिट करवाया है और उसी 5 लाख में से हमने 10 अप्रैल 2021 को FDR के यानी कि 3 लाख रुपए की अमाउंट की हमने FDR बैंक में करवा दी SBI अकाउंट में। और उसके बाद में 31/8/2021 को हमारी जो FDI है वो मैच्योर हो गई है और उसका जो पैसा है वो हमें विद इंटरेस्ट है जो हमारे खाते में आ गया है। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, कितना इंटरेस्ट हमें मिला है और उसके ऊपर जो TDS कटा है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब हमने बैंक से इंटरेस्ट का जब हमने सर्टिफिकेट हमने रिसीव किया था तो उसके ऊपर लिखा होता भी आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 25,000 रुपये मिला हुआ है और आपकी जो TDS की अमाउंट है वो हमने 10% के यानी कि 2,500 रुपये की डिडक्ट कर ली है, जबकि हमारे पास जो बैंक में पैसा हमें रिसीव हुआ है वो 3,22,500 यानी कि 3 लाख रुपये तो हमारी FDI की जो मूल अमाउंट है वो आ गई, उसके साथ हमें 22,500 का इंटरेस्ट हमें मिला, जबकि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये कह रहे हैं भी आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 25,000 का मिला है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो हम किस प्रकार से दूर करेंगे, तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो SBI बैंक का लेजर है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो हमने 1 अप्रैल 2021 में ये 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाया हुआ है और हमने 10 अप्रैल को FDI अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी एंट्री सबसे पहले हमें समझनी होगी, ये एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। वाउचर पर हम जाएंगे और इसकी जो एंट्री है इसके हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि जो FDR का जो हमारा अकाउंट है वो भी हमारा बैंक से रिलेटेड ही अकाउंट होता है और बैंक टू बैंक जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके वक्त हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें SBI बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा और जो हमारी डेट हम चेंज करेंगे 10 अप्रैल को और जो क्रेडिट अमाउंट है 3 लाख रुपये की, क्योंकि हमने 3 लाख रुपये की FDI करवाई है। तो यहाँ पर हम रिमार्क्स में ये सब कुछ डिटेल है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डाल सकते हैं FDR। और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर एक FDR का नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम Alt+C का यूज़ करेंगे FDR विद SBI। तो अब आपने जो FDR अकाउंट ओपन कराया है तो उसका भी आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर मिलेगा, तो हम उसको हिंट के लिए यहाँ पर हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी FDI 1 या 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे भी कौन सी FDI हमारी मेच्योर होगी, कितने नंबर अकाउंट वाली मेच्योर होगी है। तो इसके हिंट के लिए हमें जो हमारे अकाउंट नंबर के जो लास्ट 4, 5 या 6 डिजिट अगर हम दे देंगे तो हमें याद रहेगा भी कौन सी एंट्री हम कौन से FDR में करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने फॉर हिंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5 है ये अकाउंट का नंबर को जो लास्ट की जो 6 डिजिट है वो हमने यहाँ पर दे दी। उसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे बैंक अकाउंट और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे वी FDR वी ट्रांसफर हमारा हुआ है वी फ्रॉम SBI अकाउंट और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपकी जो FDI है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, 3 महीने के लिए भी हो सकती है, 6 महीने के लिए हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम फॉर एग्जांपल एंट्री और उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको एंट्री समझने के लिए हम इसको ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट।
तो इस तरीके से अब हमारे पास एक एफडीआर का नया लेजर बन गया है। तो हम बैलेंस शीट में हम जाके देखेंगे, तो आप देखकर जब बैंक अकाउंट में हम जाएंगे तो बैंक अकाउंट में हमारे पास ये एक नया लेजर आ जाएगा, एफडीआर विद एसबीआई, और एक एसबीआई हमारा करंट अकाउंट है जो। तो 2 लाख रुपए का बैलेंस रह गया और 3 लाख रुपए की एफडीआर अकाउंट में पैसा चला गया। अब बैंक ने क्या किया, 31 अगस्त को ये जो हमारी एफडीआर है वो मैच्योर कर दी विद इंटरेस्ट के साथ, और जितना इसका पैसा बना वो सारा का पैसा हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर वापस कर दिया। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, तो अब हमें पता है भी हमारा जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो 25,000 का हुआ है और उसके ऊपर टीडीएस 2,500 रुपये का कटा हुआ है। तो इसकी एंट्री वापस हम जाएंगे वाउचर पर। अब इसकी एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब चाहो तो एक हम मतलब जो ये जो सिंगल ट्रांजेक्शन है वो भी हम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अकाउंटिंग को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम इसकी दो एंट्री कर सकते हैं। दो एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एफडीआर की जो 3 लाख रुपए की हमारी मूल अमाउंट थी उसको वापस हम एफडीआर को क्रेडिट कर देंगे। तो एफडीआर, तो डेट हम डालेंगे 31 अगस्त की, और एफडीआर का जो बैलेंस है वापस हमारे पास 3 लाख रुपए का मूल अमाउंट वापस आ गई है, और वापस ये हमारे एसबीआई के करंट अकाउंट में आ गई है। तो इस तरीके से हमारा जो एफडी का अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, और इसका जो हमारा बैंक बैलेंस है वापस 5 लाख रुपए हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे। ये तो थी हमारी केवल मूल जो हमारी मेन अमाउंट थी उसी को ट्रांसफर किया है। अब बात आती है हमने इंटरेस्ट भी हमें मिला है, तो इंटरेस्ट की एंट्री रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे F6 का, यानी कि रिसिप्ट वाउचर का। तो अब हमें यहां पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव का। तो हम यहां पर इंटरेस्ट रिसीव एफडीआर, ताकि हमें पता लगे, और इसका ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और अब जो इंटरेस्ट की जो हमारी अमाउंट है वो है 25,000 रुपये, और उसके बाद में हमारा टीडीएस भी कटा हुआ है। तो जो टीडीएस जो हमारा कटा हुआ है, अब हमें टीडीएस का भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हम टीडीएस ऑन इंटरेस्ट एफडीआर इसके नाम से हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, और इसका जो ग्रुप हम रखेंगे वो करंट एसेट रखेंगे, क्योंकि ये हमारी एसेट है, हमारा टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है। अगर हम किसी का टीडीएस अगर डिडक्ट करते हैं तो हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की वो लाइबिलिटी बन जाती है, तो उसको हम ड्यूटीजेंट टैक्सेस में रखते हैं। अगर हमारा कटा है तो हम उसको करंट एसेट में रखेंगे, और कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहां पर हमें जो इंटरेस्ट हमारा जो कटा है वो 2,500 रुपये का कटा है, और उसके बाद में जो डिफरेंस के जो अमाउंट है वो हमारे बैंक में आ गई। तो अब यहां पर हम SBI बैंक को डेबिट कर देंगे 22,500 रुपये से, और इसका रिमार्क्स हम लिख सकते हैं एफडीआर जो हमारी है वो मैच्योर हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको अलग से कोई नरेशन देना है इस एंट्री से रिलेटेड, तो हम इसके मेन नरेशन में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे, तो आपको बैंक अकाउंट है जो अब आपका 5,22,500 रुपये आपका बैलेंस जो रह जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो आप स्टेटमेंट में भी देखोगे तो ये हमारा बैलेंस 5,22,500 रुपये 31 अगस्त को हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस हमारे पास जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो भी हमारे बैंक में ही आया है, और एफडी अकाउंट का जो हमारा था बैलेंस था वो अब जीरो हो चुका है। अब उसके बाद में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट जो हमारा कटा हुआ है वो हमारा इस बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करना शुरू कर देगा, और जो हमारा इंटरेस्ट था वो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे तो अब हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर शो करेगा, ये 25,000 की पूरी अमाउंट का। तो अब ये जो दोस्तों, अब बैंक करता क्या है, कई बार तो अलग अलग बैंक की अलग अलग कंडीशन होती है। कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके तो 3 लाख रुपए के, वो 3 लाख रुपए पूरा डेबिट करेंगे, और उसके बाद में 25,000 रुपये जो आपको ब्याज दिया है वो भी पूरा डेबिट दिखाएंगे, और बराबर में आपका जो 2,500 रुपये जो TDS डिडक्ट हुआ है वो अलग से एंट्री शो करेंगे। कुछ बैंक है जो आपका जो इंटरेस्ट है वो TDS डिडक्ट करने के बाद में जो नेट अमाउंट बचेगी, यानी कि इस 25,000 में से 2,500 रुपये लेस करने के बाद में 22,500 रुपये की जो अमाउंट बचेगी वही आपके खाते में जो क्रेडिट करेंगे। ये कि हालांकि ये हमारी तरफ से ये लेजर है तो हमने बैंक को डेबिट किया हुआ है, तो बैंक आपको 25,000 रुपये से क्रेडिट करेगा और बराबर के अंदर 2,500 रुपये आपके खाते में वापस है जो डेबिट कर देगा। और कई है जो नेट अमाउंट लिखेंगे, कई आपको अलग अलग वेरिफिकेशन डिटेल के साथ देखेंगे। तो अगर आपको पूरी कहानी समझनी हो तो आपको बैंक से
इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, उसमें सारी क्लियर हो जाती है भी उसके अंदर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है और टीडीएस की अमाउंट कितनी है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।